वैसे तो टीम इंडिया के हर खिलाड़ी ने फाइनल में बहुत शानदार तरीके से परफॉर्म किया, लेकिन मैच के असली हीरो विराट कोहली रहे। उन्होंने अपनी शानदार बल्लेबाजी से सबका दिल जीत लिया। टी20 का फाइनल मैच में विराट कोहली ने टीम इंडिया को मुश्किल हालात से निकलकर जीत की पटकथा लिख दी। मैच में एक वक्त 34 रनों के स्कोर पर टीम इंडिया के 3 विकेट गिर चुके थे, लेकिन विराट ने अपना आक्रामक खेल जारी रखा। उन्होंने विकेट और टीम का रन रेट गिरने नहीं दिया। कोहली ने अक्षर पटेल और शुभम दुबे के साथ मैच में मजबूत साझेदारी कर 59 गेंदों पर कुल 76 रन बनाए। ये इस वर्ल्ड कप में उनकी पहली 50 थी। इस पारी में उनके बल्ले से 6 चौके और 2 छक्के निकले। इस शानदार पारी के लिए उन्हें फाइनल में मैन ऑफ द मैच चुना गया। विराट और रोहित के संन्यास के साथ ही भारतीय क्रिकेट में एक अध्याय का अंत हो गया। टी20 में शानदार जीत के बाद संन्यास का ऐलान करके विराट भावुक हो गए। बारबाडोस में टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया और इसके बाद विराट कोहली ने यह ऐलान किया। बारबाडोस में टीम इंडिया ने टी20 विश्व कप को अपने नाम किया तो विराट कोहली ने अपने परिवार के साथ इस लम्हे को सेलिब्रेट किया। संन्यास की घोषणा से पहले विराट कोहली ने अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा और बच्चों को वीडियो कॉल किया। कोहली अपनी बेटी वामिका और बेटे अकाय के साथ वीडियो कॉल पर मस्ती करते नजर आए। वो कभी अपने गले में पड़ा मेडल दिखा रहे थे तो कभी जोर जोर से हंस रहे थे। वर्ल्ड चैंपियन बनने की खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। कोहली अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए और उनके आंसू बहते रहे। टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में वैसे तो टीम इंडिया के हर खिलाड़ी ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन टीम इंडिया की जीत में गेंदबाजों की काफी अहम भूमिका रही। फाइनल में दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों ने बेहतर शुरुआत की, लेकिन डेथ ओवरों में हार्दिक पांड्या, बुमराह और अर्शदीप ने दमदार बॉलिंग कर जीत सुनिश्चित कर दी। 16 ओवर के बाद अफ्रीका ने 4 विकेट पर 151 रन बना लिए थे और उसे आखिरी 4 ओवर में सिर्फ 26 रनों की दरकार थी, लेकिन 17वें ओवर की पहली ही गेंद पर हार्दिक ने क्लासेन को आउट कर दिया। अगले 2 ओवरों में सिर्फ 6 रन आए। 19वें ओवर में भी अर्शदीप ने केवल 4 रन दिए, जिससे मैच का रुख ही बदल गया। आखिरी ओवर में हार्दिक ने केवल 8 रन देकर 7 रन से टीम को जीत दिलाई।